गुत्ती, बोरियत की खोल के रस्सी, खुशियों की लगाने गुत्ती, आओ चलो सभी झूले लाल, गर्मियों में सबसे सही। वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट, डे नाइट वाटर पार्क, स्लाइड फॉर किड्स एंड ऑल, फूड पार्क, स्नैक्स के साथ साउथ इंडियन फूड, इंडोर एंड आउटडोर गेम, वेव पूल, डीजे, रेन डांस एंड मेनी मोर। झूलेलाल वाटर पार्क, ऑपोजिट जैन वैली अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार करण पवार का शिरसोली चिंचोली धनवाड़ में जोरदार स्वागत किया गया। विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के साथ नागरिकों की बैठक। जलगांव महाविकास आघाड़ी जलगांव लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार करण बाड़ा साहेब पवार पाटिल का प्रचार अभियान शुरू हो गया है। शुक्रवार 26 तारीख को जलगांव तालुका के शिरसोली चिंचोली धनवाड़ आदि गाँव में एक अभियान रैली आयोजित की गई। सभी गाँवों में पटाखे फोड़कर करण पवार पाटिल का जोरदार स्वागत किया गया। शिरसोली में श्री गणेश और हेमाडपंथी ध्यानेश्वर महादेव मंदिर गए और अभियान शुरू किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने करण दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, महाविकास आघाड़ी असो, ऐसे जैसे कई नारे देकर करण पवार को जिताने की अपील की। करण पवार का गांव में जगह जगह स्वागत किया गया। रैली के दौरान करण पवार पाटिल ने नागरिकों से बातचीत की। चिंचोली का स्वागत भी पटाखे और आतिशबाजी से किया गया। गांव के युवाओं ने स्वस्फूर्त रैली में भाग लिया और करण पवार पाटिल का गुलदस्ते बरसाकर स्वागत किया। रैली में पूर्व पालक मंत्री गुलाब राव देवकर, संचार प्रमुख गुलाब राव वाघ, शिवसेना के तालुका प्रमुख उमेश राव साहेब पाटिल, युवा सेना धरन गांव तालुका प्रमुख नीलेश चौधरी, XEN बाजार समिति अध्यक्ष लक्ष्मण पाटिल, कांग्रेस तालुका अध्यक्ष मनोज चौधरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष उमेश पाटिल, जलगांव कृषि आय बाजार समिति निदेशक डॉक्टर अरुण पाटिल, धनवाड़ के योगराज सपकाड़े उप सरपंच दिलीप चौहान, हेमंत पाटिल, धवल पाटिल, राकाप्पा महासचिव संजय चौहान, तालुका अध्यक्ष मनोज चौधरी, उपाध्यक्ष रवि सोनवाने, महासचिव मुरली सपकाले, संदीप वाघ, रविंदर चौधरी, सुभाष बंगाले, बापू परदेशी, शिरसोली PN सरपंच हिलाल मलहारी भील, उप सरपंच शशिकांत अवसार। शिरसोली PB चे सरपंच पति अर्जुन पवार, उप सरपंच समाधान जाधव, शिरसोली ग्राम पंचायत सदस्य दिगंबर सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी खबर देखने के लिए देखते रहिए दमदार इंडिया न्यूज़।